Hey guys, नमस्ते कैम छो, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एडीबी व्लॉग्स। तो आज हम आए हैं लाल दरवाजा मार्केट, जो कि अहमदाबाद का बहुत ही पॉपुलर मार्केट है। क्लोथ्स लेने हो आपको, या कुछ घर का सामान लेना हो, या कुछ इलेक्ट्रिक आइटम लेनी हो, या कुछ भी लेना हो, यहीं पूरे 4-5 किलोमीटर का, बहुत ही उससे भी ज़्यादा शायद एरिया बड़ा होगा, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो बहुत ही क्राउडी एरिया है ये, लेकिन काफ़ी अच्छा एरिया है और बहुत ही मज़ा आता है जब भी अगर फ्री होते हो आप, जब यहाँ से देखते हो या मेरा वीडियो बाहर से भी देखते हो, तो प्लीज़ आइए देखिए ये मार्केट। यहाँ पे बहुत ही सस्ता सामान मिल जाता है आपको, आपको मानने में भी नहीं आएगा उतना सस्ता होता है यहाँ पे कभी कभार तो, लेकिन काफ़ी अच्छा भी होता है, कई कभार अच्छा नहीं भी निकलता है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मस्जिद है, मंदिर है, सब लोग भाईचारे से बहुत ही मिलजुल के यहाँ पे बिजनेस करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, या कोई और भी कौम के हो आप, तो यहाँ पे बिजनेस बहुत ही अच्छा होता है सबका। सब लोग यहाँ पे लेने आते हैं सामान, हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं यहाँ पर, कोई ऐसा धर्म वगैरह का कोई यहाँ पर वो नहीं है। बहुत ही सेफ मार्केट है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको बच के रहना पड़ेगा चोरों से चोरी तो सब जगह पर होती ही है। देखिए यहाँ पे बेल्ट्स मिलते हैं, पॉकेट्स मिलते हैं, पर्स बोलते हैं उसको। यहाँ पे नॉनवेज का भी बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत ही अतरंगी टाइप के सभी चीज़ें यहाँ मिलती है, और लोग भी काफ़ी अतरंगी होते हैं यहाँ पे, सब लोग मनमौजी होते हैं। और यहाँ पे ट्रैफिक इतना रहता है, जैसे यहाँ पे मैं बाइक लेके कभी आता नहीं हूँ, बाइक बाहर ही पार्क कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ काम है मेरा थोड़ा और अंदर है, अभी चल के जाने का कोई मूड नहीं है मेरा, तो इसी वजह से मैं बाइक लेके आया हूँ आज अंदर। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अपने पहुँच जाएंगे। ये रिक्शा वालों से तो बहुत ही संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि तो कहीं पर भी खड़ी रख देते हैं और कहीं पर भी ये लोग घुस जाते हैं। खाली रिक्शे का आगे का पहिया जाना चाहिए, फिर पूरी रिक्शा निकल जाएगी ओ ऐसा ही सब चलता है भाई, ट्रैफिक में तो सब ऐसा ही होता है। और ये अहमदाबाद का ट्रैफिक है, संभाल संभाल के चलना पड़ता है मुझे। और कहीं जगह पे तो वन वे है ये, तो वो सब संभल के जाना पड़ता है, वरना मामू लोग पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, सॉरी। ये देखिए आप, यहाँ पे सभी घर की चीज़ें मिलती है खाने पीने का। और एक और बात, माणिक चौक, यस, आगे एक माणिक चौक भी है जो रात को ही लगता है, खाने पीने की चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो माणिक चौक। और दिन में वो माणिक चौक गोल्ड और सिल्वर की आइटम खरीदने के लिए बहुत ही फेमस है, तो दो मार्केट लगते हैं, मॉर्निंग में अलग होता है, शाम के 7 बजे के बाद अलग होता है। देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी वैरायटी यहाँ पे मिलती है कपड़ों की, छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक सभी चीज़ें मिलती है, एंटिक चीज़ें भी मिलती है यहाँ पे, घर सजाने का सामान भी मिलता है, कोई कोई चीज़ तो ऐसी भी होती है जो यहीं ही मिलती है, कहीं और अहमदाबाद या कहीं पर भी ढूंढ लो नहीं मिलेगी आपको, यहाँ पर ही मिलेगी। Thank you.
उसमें फटाफट बाइक चलाना पड़ता है, वरना कोई साइड ही नहीं देता है और रास्ता वैसे ही भर जाता है। और यहाँ आगे तो वन वे है, लेकिन सब लोग आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे। यहाँ पे मोबाइल के कवर्स वगैरह भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पे एक और आगे रास्ता है, वो वहाँ पर मोबाइल भी बहुत ही ज़ोरदार मिलता है, एकदम सस्ते में सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ओरिजिनल या उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, चले तो चांद तक वरना शाम तक वैसे भी मोबाइल होते हैं। यहाँ का अगर आपको शादी के कपड़े लेने हैं तो वो भी बहुत ही जगह फेमस है, यहाँ पे रतन पोल करके है। तो वही हम अंदर से गुजरेंगे आज, आप देखिए बहुत ही सारी जो शादी में दूल्हा दुल्हन पहनते हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते हैं। सूट ले लो, शेरवानी ले लो, साड़ियाँ ले लो, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। अब देखिए इस ये जगह की तो रौनक ही अलग है कुछ। देखिए यहाँ पे ये दुकान में काफी अच्छी वैरायटीज है। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो चलिए कोई ना नहीं हो पाएगा यहाँ पे मार्केट में, लेकिन यार कम से कम मास्क तो पहनिए, अभी कोरोना कहाँ ख़त्म हुआ है साले, ये सब लोग समझते नहीं है ना, फिर लॉकडाउन डाल देगी सरकार। तो अभी मैं फटाफट से रिवर फ्रंट पहुंच चुका हूँ अभी। तो अभी आप देखिए यहाँ पे ये रिवर फ्रंट भी बहुत ही अच्छी जगह है अहमदाबाद में, काफ़ी घूमने लायक जगह है ये, यहाँ पे बहुत ही सारी पीछे एक्टिविटी भी होती है। तो बहुत ही बड़ा रिवर फ्रंट है, पूरा साबरमती नदी के दोनों तरफ ये रोड बनाया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। और दूसरी बात तो ये है कि ये ट्रैफिक में बहुत ही यूज़फुल रहता है, अब सिटी के ट्रैफिक से बचना चाहते हो तो सीधा रिवर फ्रंट पे आ जाइए और सीधा निकल जाइए आगे। तो बहुत ही अच्छा परफेक्ट डिसीजन था ये गवर्नमेंट का ये बना के, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूले।